सर, ओपनिंग पार्टनरशिप की अगर बात की जाए जवाब, तो बड़ी ज़बरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप देखने को मिली बांग्लादेश की जानिब से। अगर आपने नोट किया हो, आज तो हम शांतु के भी स्टैट्स आपको बताएंगे और साथ ही मिराज के भी बताएंगे, लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ नईम शेख की। मुझे वो बहुत ही प्रॉमिसिंग नौजवान लगे हैं और जिस तरह वो शॉर्ट मिडल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पर अफगानिस्तान वाला प्रॉब्लम उनमें है कि स्टे नहीं कर रहे, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंट है बांग्लादेश के लिए। बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा टैलेंट है। ऑनेस्टली उनके पास जितनी वैरायटी ऑफ शॉट्स उनके पास अवेलेबल है, दैट इज़ वेरी वेरी गुड। दी ओनली प्रॉब्लम इज़ कि जो आपने भी जिक्र किया कि वो एक इनिंग्स को चला नहीं पा रहे, लंबा नहीं कर पा रहे। रन ज़रूर कर रहे हैं लेकिन लंबा नहीं कर पा रहे। आज उन्होंने 28 रन किया है गेस 32 बॉलों पर। आपने 28 और 30 32 बॉलों पे देखना है, लेकिन आपने ये भी साथ देखना है कि उन्होंने जो मेहदी हसन मिराज को आज सपोर्ट किया ना, कि डोंट फॉरगेट मेहदी हसन मिराज जो है उन्होंने आज 5 साल के बाद एक्चुअली उन्होंने ओपन किया दोबारा। 2018 एशिया कप में ही वॉज द लास्ट टाइम जब उन्होंने ओपन किया था, और आज उन्होंने 5 साल के बाद दोबारा ओपन किया एशिया कप में, विच वॉज गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ फॉर हिम, स्पेशली अगेंस्ट अफगानिस्तान। नो मैटर वट द पिचेज, उनकी बॉलिंग मेरे ख्याल में कॉम्पिटेंट इनफ है फॉर इंटरनेशनल लेवल। बैटिंग में थोड़ा सा डाउट है लेकिन बॉलिंग उनकी कॉम्पिटेंट है। सो अंडरस्टैंड दिस कि उनका आके ओपन करना वॉज गोइंग टू बी टफ, लेकिन नईम ने जो इनिंग्स खेली है उसकी वजह से मिराज को टाइम मिला कि वो थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाए। क्योंकि आप अगर उनकी इनिशियल इनिंग्स देखेंगे मेहदी हसन मिराज की, वो स्लो, तो नईम ने उनको कॉम्पनसेट किया और 10 ओवर में जो पावर प्ले के राइट एट द एंड मुजीब की रॉन्गन पे वो आउट हो गए नईम, लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने जो इम्पिटेंस दी इनिंग्स को वो कैरी फॉरवर्ड किया मिराज ने और फिर बाद में आगे नजमुल हसन शांतो ने। तो मेरे ख्याल में इट वॉज अ बूस्टर। डू और डाई सिचुएशन थी अफगानिस्तान के लिए। आपने पहले भी मैंशन किया कि अफगानिस्तान आज प्रो लगी, आज प्रो इसीलिए लगी क्योंकि डू एंड डाई थी। अगर आज वो परफॉर्म ना करते या जीते नहीं, दैट वुड हैव बीन द एंड ऑफ देम फॉर द एशिया कप के लिए, उनका खत्म हो गया था। तो मेरे ख्याल में एक डेस्परेट सिचुएशन थी, डेस्परेट मेजर्स किए, तीन चेंजेस किए और मेजर चेंजेस किए, क्योंकि आपने एक अपना ओपनर रेगुलर ओपनर बिठाना इज अ मेजर चेंज, आपका वन ऑफ द प्रीमियम फास्ट बॉलर बिठाना इज अ मेजर चेंज। तो बेसिकली ये बड़े चेंजेस थे, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना क्रिकेट में जब किसी का दिन होना तो यू कैन नॉट, मतलब हर चीज उनके उनके हक में जाती है। मेहदी हसन मिराज 5 साल बाद आए, सेंचुरी कर गए, उसके बाद जो आपने नंबर वन पे हिरदोए को भेजा वन डाउन पे, आई मीन दैट वाज हाउ स्टूपिड वाज दैट। पिछले मैच में 89 किया हुआ था शांतो ने वन डाउन पे, आपने आज अचानक से हिरदोए को उठा के वन डाउन भेज दिया। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली फॉर बांग्लादेश वो फेल हो गए और जल्दी से शांतो आ गए, और फिर उसके बाद जो 194 रन की पार्टनरशिप लगी 190 बॉल पे, दैट वाज एक्सेप्शन, और दोनों ने बहुत अच्छा खेला आज। लेट्स हैव अ लुक एट द स्टैट्स ऑफ मेहदी हसन मिराज, जिनकी आप बात कर रहे हैं। आज बड़ा बेहतरीन खेले, स्टार्ट में काफी टाइम लिया, ठीक कह रहे हैं जवाद के नईम शेख स्टार्ट में जो है अग्रेसर थे। इनकी बात की जाए तो रन इन्होंने 112 बनाए, बॉल्स 119 के लिए हैं, चार अगर चौके जो है 7 हैं, सिक्सेस 3 हैं, स्ट्राइक रेट इज क्वाइट हेल्दी 94.11। मैं स्ट्रेट अवे चलूंगा कनाडा। डॉक्टर साहब, मेहदी हसन आज बहुत ही जबरदस्त खेले, स्टार्ट में थोड़ा शेकी थे, नईम शेख ने उनको साथ दिया, उनको साथ चलाया, लेकिन उसके बाद एक बड़ा जबरदस्त नॉक और आफ्टर 5 ईयर्स दैट्स क्वाइट अमेजिंग। जी बिल्कुल, मेहदी का काफी पर्पल पीरियड चल रहा था पिछले कुछ अरसा से, जब खासतौर पर उन्होंने इंडिया के खिलाफ भी 100 रन किए थे, 100 किए थे, वो बहुत ही आउट ऑफ ब्लू मून थे, और उनका राइज तो हो रहा है पिछले कुछ सालों से कि वो एक रीढ़ की हड्डी बनते जा रहे हैं बांग्लादेश की टीम का। और नो डाउट कि इस तरह की परफॉर्मेंस, जब इतने बड़े मैच में परफॉर्मेंस देना, और जैसे अभी इन्होंने कहा कि वो ओपन भी 5 साल के बाद है, मेरे लिए खैर मुझे नहीं मालूम था कि वो ओपन पहले कर चुके हैं, लेकिन दैट्स गुड थिंग कि उन्होंने ओपन की है 5 साल के बाद, तो ये एक इटसेल्फ बहुत बड़ी बात होती है। और क्योंकि इससे पिछले मैच में उन्होंने ओपन जो करवाया था वो डेब्यूटेंट थे, तो वो परफॉर्म नहीं कर सके, तो उनको वापस लाना पड़ा, तो इतनी बड़ा स्विच यकदम करना मुश्किल होता है, और वो भी इस जैसे मैच में जो डू एड आए हो। तो मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश के लिए जो मेहदी ने काम कर रहे हैं एक अरसे से, सिर्फ बैट के साथ नहीं बल्कि बॉल के साथ भी और फील्ड के साथ भी, तो मेरा ख्याल है कि वो इस वक्त मरकज़े निगाह वही है बांग्लादेश की टीम का। और आज जो जिस तरह खासतौर पर मेरे लिए सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट था, जिस तरह उन्होंने राशिद खान को, मुजीब को, जो मतलब वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं और वो पूरी दुनिया में लीग खेलते हैं, बड़े बड़े बैट्समैनों को उन्होंने मतलब नचाया हुआ है, लेकिन वो आज मेहदी के सामने और शांतो के सामने बेबस नजर आए। और मैंने इस तरह कभी नहीं देखा कि राशिद खान को इस तरह एक्स्ट्रा कवर पर 6 लगते हों और लगातार लग रहे हों, ये मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था। नो डाउट कि मेहदी हसन, द क्रेडिट गोज टू मेहदी हसन।
अच्छा हसन, अगर मेहदी हसन की इनिंग्स की बात की जाए या फिर शांटो के ऊपर भी हम बात करेंगे, लग ये रहा है कि अफगानिस्तान ना अपने स्पिनर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इनसार कर रहा है। आई थिंक 45th और 46th ओवर भी उनके स्पिनर्स की जानेब से फेंके गए, और फिर उस तरह से फास्ट बॉलर्स नहीं आ रहे अफगानिस्तान में। फजल फारूक की भी आज काफ़ी वेवर्ड नज़र आए, और अब शायद वो भी कहीं ना कहीं एक्सपोज होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। उनकी उनके ऊपर भी जो है ना कुछ काम करना पड़ेगा। देखिए, बैटिंग पैडर्स पिचेस जहाँ पर होती है तो वहाँ पर क्वालिटी बॉलिंग का पता लगता है, और अब वहाँ क्वालिटी बॉलिंग किस तरह से होती है। और बांग्लादेश की कोई इतनी अच्छी टीम नहीं थी, मगर सेटल डाउन हुए बैट्समैन दोनों। बैटर्स पिच का बिहेवियर उन्होंने देखा किस तरह का था, उसके बाद फिर पार्टनरशिप लगाई। और मिस फील्डिंग बहुत जबरदस्त नजर आ रही थी कि अफगानिस्तान में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि इतनी क्रिकेट खेलते हैं ये होम सीरीज में भी, और अफगानिस्तान में दुबई में भी रहते हैं मुकीम, एसोसिएट्स टीमों को इतना हराते हैं ये लोग। और मैंने फिर भी बताया कि बार बार के T20 फॉर्मेट में ये बिल्कुल एग्रेसिव खेलते हैं, कुछ भी कर देते हैं, मगर 50 ओवर्स के गेम में कोई गेम प्लान का नजर नहीं आया। गुलबदीन मीडियम पेसर बॉलर हैं, उसके बाद फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे अफगानिस्तान की तरफ से, तो रिलायबल जो है वो राशिद खान पे और मुजीब पे हो रहा होता है, जिसकी वजह से जो ये लैक कर रहे हैं।